सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्थीरिया, जिसे हम बुल नेक भी कहते हैं। सो डिप्थीरिया को हम गलघोटू बीमारी के नाम से भी जानते हैं। सो हम जान लेते हैं कि डिप्थीरिया क्या होता है। डिप्थीरिया एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हमारे नोज़ और हमारे थ्रोट को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। डिप्थीरिया एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती है, जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ही कॉमन है। सो लेट्स लर्न अबाउट डिप्थीरिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम डिप्थीरिया के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिप्थीरिया का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम डिप्थीरिया का कॉज एंड स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इसका स्प्रेड कैसे होता है, फिर हम इसका इनक्यूबेशन पीरियड पढ़ेंगे, फिर हम इसके साइंस और सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम इसका रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, एंड देन एट लास्ट हम इसकी डायग्नोसिस पढ़ेंगे, एंड देन इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज़ डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया इज़ अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ योर नोज एंड थ्रोट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिप्थीरिया एक तरह का सीरियस और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और ये हमारे नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको भी अफेक्ट करता है, एंड ये हमारे थ्रोट में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर देता है और एक तरह का स्यूडो मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन। सो जो डिप्थीरिया का जो पेशेंट होता है उसमें कुछ इस तरह का स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन दिखता है, जो कि पोस्टीरियर फेरिंग्स पे बहुत ही क्लियर विजिबल होता है, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है उसके एयरवेज़ में, जो कि हमारे रेस्पिरेशन को भी कई हद तक इफ़ेक्ट करती है। सो अब हम डिप्थीरिया का इनक्यूबेशन पीरियड पढ़ते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड का डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इनक्यूबेशन पीरियड इज़ द पीरियड बिटवीन द एक्सपोजर ऑफ एन इन्फेक्शन और एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज़ कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। सो इस लाइन का यही मतलब है, मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब बॉडी में एंट्री होता है उस वक्त से लेकर उसके जो साइन सिम्टम्स शो करने का जो टाइम होता है उस ड्यूरेशन को हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सो डिप्थीरिया का जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो जनरली 3 to 4 days का होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि डिप्थीरिया 1 पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे स्प्रेड होता है और इसके कौन कौन से कॉज होते हैं जिसकी वजह से डिप्थीरिया जो बीमारी है वो किसी पर्सन को हो सकती है। सो डिप्थीरिया इज़ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम नोन एज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। सो जो इसका जो कॉजिटिव एजेंट है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो कि एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एक्सोटॉक्सिन, और जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, और ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि डिप्थीरिया 1 पर्सन टू अनदर पर्सन किस फॉर्म में स्प्रेड करता है। तो ये स्प्रेड करता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, मींस बाय कफिंग और स्नीजिंग। सो अगर कोई पर्सन कफिंग या स्नीजिंग कर रहा है और वो डिप्थीरिया से अफेक्ट है तो उसकी वजह से उसके कांटेक्ट में आने से किसी दूसरे पॉइंट इज़ कंटामिनेटेड पर्सनल और हाउस होल्ड आइटम्स। इस लाइन का ये मतलब है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका जो पर्सनल और हाउस होल्ड जो आइटम है अगर उसको कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर लेता है तो उसकी वजह से भी वो जो हेल्दी पर्सन है उसको डिप्थीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि डिप्थीरिया होने के बाद पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जो सिम्टम्स आते हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं। सो जो सबसे पहला जो सिम्टम है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, और वो सिम्टम है नॉइजी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
मीन्स डिप्थीरिया होने के बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से जो पेशेंट की जो ब्रीदिंग है बहुत ही नॉइज़ी होती है, और दूसरा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो है स्किन रैश और अल्सर। मीन्स डिप्थीरिया होने के बाद जो पेशेंट है वो उसको स्किन रैशेस भी हो जाते हैं और उसको अल्सर्स भी कॉज हो जाते हैं। सो तीसरा जो सिम्टम है वो है स्पीच से रिलेटेड, जिसमें है हॉर्सनेस और एम्पेयर्ड वॉइस। मीन्स जो पेशेंट का जो गला होता है वो बैठ जाता है, उसको हम हॉर्सनेस कहते हैं, और जो उसकी वॉइस होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। मीन्स उसका वॉइस का जो टेक्स्चर है वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर चौथा जो सिम्टम है वो है थ्रोट डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग और सोरनेस। मीन्स पेशेंट अगर कुछ भी खाता है या तो कुछ भी पीता है तो सही से उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वो सही से खा पी। सो इन सारे सिम्टम्स के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट में नज़र आते हैं, लाइक कफिंग, मसल वीकनेस, रनी नोज, स्वेलिंग और स्वॉलन लिम्फ नोड। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि डिप्थीरिया के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, मीन्स ये कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है, और इसके और कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिप्थीरिया कॉज हो सकता है। तो सबसे पहला जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है चिल्ड्रन। डिप्थीरिया जो बीमारी है वो ज़्यादातर कॉमन है चिल्ड्रंस में, मीन्स ये बिलो 5 ईयर्स के एज के ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। चिल्ड्रंस के अलावा ये अडल्ट को भी अफेक्ट करता है। सो जिन अडल्ट्स को टाइमली वैक्सीन्स नहीं भी लगती हैं उन अडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है पीपल लिविंग इन क्राउडेड और अनसैनिटरी कंडीशन। मींस जो पर्सन्स होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग में रहते हैं, उनको भी डिप्थीरिया होने के बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। सो जो तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है पीपल हु ट्रैवल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर डिप्थीरिया इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन। मीन्स कोई ऐसी सिटी या तो कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे डिप्थीरिया का जो स्प्रेड है वो बहुत ही कॉमन है, अगर वहाँ से कोई पर्सन ट्रैवल करके एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आता है, उसकी वजह से भी जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी डिप्थीरिया का स्प्रेड जो होता है वो कॉज हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं कि डिप्थीरिया को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, कि लाइक एक पेशेंट को डिप्थीरिया कैसे हुआ है या नहीं हुआ है। सो उसकी डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। सो डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म्ड बाय स्वैब स्पेसिमन एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। मीन्स जो स्वैब स्पेसिमन टेस्ट होता है एक तरह का लेबोरेटरी टेस्ट है, जिसकी वजह से हम डिप्थीरिया का जो डायग्नोसिस होता है उसको कन्फर्म कर सकते। तो फाइनली अब हम डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डिप्थीरिया हो जाता है तो उसको कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे वो पेशेंट नॉर्मली फिर से वो सही हो सके। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स। सो आई होप सो कि आपको एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन पता ही होगी। एज़ यू ऑल नो कि डिप्थीरिया एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबायोटिक्स देने का यही मतलब होता है। लाइक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को आइदर किल करता है या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, इसीलिए हम लोग डिप्थीरिया के पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हम डिप्थीरिया के पेशेंट्स को दे सकते हैं। पहला जो है वो पेनिसिलिन है, दूसरा जो है वो एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये जो दो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बहुत ही कॉमनली होते हैं जो कि डिप्थीरिया के पेशेंट को दिया जा सकता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीटॉक्सिन। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी है वो एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि एक्सोटॉक्सिन होता है। तो उसके अगेंस्ट हम एंटीटॉक्सिन को भी दे सकते हैं जो कि डिप्थीरिया के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। सो एज़ आई ऑलवेज से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो डिप्थीरिया के जो वैक्सीन्स हैं वो ऑल एज ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों टाइप्स के वैक्सीन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होते हैं। सो डिप्थीरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वैक्सीन्स को लगवाएँ और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से बचें। So a big thank you to all of you.
सो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. सो एज़ आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. बट आज मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बी हैप्पी एंड बाय.